हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस ट्वेल्थ इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है, क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स का हिस्सा है, नजम का 9, 10 और 11 चैप्टर होने वाला है, जो कि 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो वो इस क्लास को एंड तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास से आप लोग का जो है 10 मार्क्स पक्का है। इससे आप लोग का तीन चैप्टर से 3 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और आज का क्वेश्चन भी थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग को लगेगा कि आज तक जो है, यानी आज जो है आप लोग का तैयारी पता चल जाएगा कि आज आप लोग जो है कितना तैयारी कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चैप्टर के तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नेम की गमे अरसद है और वो एक कताए तारीख है जिसके मुसन्निफ है अता का कवि। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि मौलाना निजामुद्दीन पर कताए तारीख किस मौके पर लिखा गया है। देखिये, मौलाना निजामुद्दीन पर जो कताए तारीख लिखा गया है तो वो किस मौके पर लिखा गया है, तो आप लोग को याद रखना है मसनद नसीनी पर लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कि दर्ज जेल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल हुई है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों। देखिए, वह कौन सा शायर है जिसको जो है तारीख गोई में महारत हासिल हुई है, तो महारत हासिल जो हुई है वो अता का कवि को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, देखिये अरबी हरूफ तहजी के जो है कुल कितने हरूफ है। यहाँ ये क्वेश्चन जो है हर स्टूडेंट को पता होगा कि अरबी हरूफ तहजी में हरूफ की जो संख्या है वो 28 है। कितना है दोस्तों? 28 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर कि अता का कवि ने 10 गजल को शायरों का इंतखाब शाय किया, इस इंतखाब में उन्वान क्या है, तो याद रखना है दोस्तों अता का कवि ने 10 गजल को शायर का इंतखाब शाय किया, तो इसमें जो इस इंतखाब में जो उन्वान है ना वो मैखाना है तगज्जुल है। क्या है दोस्तों? मैखाना है तगज्जुल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर कि गमे अरसद किसका लिखा हुआ कताए तारीख है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2017, 2018, 2019 लगातार 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है कि गमे अरसद किसका लिखा हुआ कताए तारीख है, तो वो है अता का कवि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स नंबर, किस शायरी का ताल्लुक सोबाए बिहार से है। किस शायर का ताल्लुक सोबाए बिहार से है। सोबा मतलब क्या होता है कि वो राज्य, स्टेट, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, हिंदी में राज्य कहते हैं और उर्दू में सोबा कहते हैं। तो वो कौन सा शायर है जिसका जो है बिहार से ताल्लुक है, तो वो बिहार से ताल्लुक अता का कवि से है, कवि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवन नंबर कि कताए तारीख गमे अरसद किसकी मौत पर लिखी गई है। देखिये, कताए तारीख जो लिखी गई है गमे अरसद, वो जो किसकी मौत पर लिखी गई है, 2017 आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों को एक साथ पूछा गया है, तो याद रखना है कताए तारीख गमे अरसद जो लिखी गई है वो बेटे की मौत पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट नंबर क्या है, मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके एदाद बताएं, उसके कितने एदाद हैं, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों उसके एदाद जो है 92 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन नंबर कि शेर में जो है किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा करने को शहरी इस्तेला में क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि तलमी किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है तलमी वह है जिसमें शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा करके जो है शहरी इस्तेला करके जो है इशारा करने को शहरी इस्तेला में ही हम लोग तलमी कहते हैं, ऐसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि शेर में जो है किसी तारीखी वाक्य की तरफ इशारा करने को शेरी इस्तेला में हम लोग कलमी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं कि ऐसे मिसरे फिक्रे और जुमले को क्या कहते हैं जिसमें तारीख बरामद होती है, तो आप लोग को याद रखना है ऐसे मिसरे जुमले जो होते हैं जिसमें जो है ना तारीख बरामद होते हैं, तो उसको हम लोग मादा तारीख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्या है कि उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी के तवसुत से हुई है, तो याद रखना है उर्दू शायरी में जो तारीख गोई की रिवायत हासिल हुई है तो उस शायरी को जो है तवसुत हुई है, तो वो किस शायरी से, तो उस शायरी का नाम आप लोग को याद रखना है दोस्तों, उस शायरी का नाम क्या है, तो वो है फारसी शायरी। क्या नाम है? फारसी शायरी, यहाँ चायरी नहीं है शायरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर क्या है कि अता का कवि को कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है। अता का कवि का जो है कौन सा नजम आपके निसाब में शामिल है, तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा। सबसे ऊपर ये बता दिए कि गमे अरसद अता का कवि का लिखा हुआ एक कताए तारीख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं कि गमे अरसद का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों याद रखना है गमे अरशद का ताल्लुक जो है ना, वो जो ताल्लुक है वो किस सिंफ शायरी से है, तो याद रखना है वो है किससे, यानी कताए तारीख से है। किससे है दोस्तों? कताए तारीख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई? देखिए अरशद मरहूम की जो मौत हुई थी तो वो कितने साल की उम्र में हुई थी, तो याद रखना है दोस्तों उनकी जो मौत हुई थी वो 34 ईयर्स यानी 34 साल की उम्र में अरशद मरहूम की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, अता का कवि का असल नाम। देखिए अता का कवि का जो असल नाम है, नाम था तो वो क्या था, याद रखना है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कि अता का कवि का असल नाम क्या था, तो अता का कवि का असल नाम सैयद अताउर रहमान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से लॉजिक से लगा सकते हैं अता अताउर, यहाँ से लॉजिक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, कि अता का कवि की पैदाइश कब हुई? देखिए कहाँ हुई, कब नहीं कहाँ हुई, यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, कब यहाँ हो गया और कहाँ यहाँ हो गया, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि अता का कवि की पैदाइश कहाँ हुई है, तो याद रखना है काको में हुई है, अता का कवि काको में पैदा हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अता का कवि की पैदाइश कब हुई, यहाँ कहाँ नहीं है कब है, कि अता का कवि की पैदाइश कब हुई है, तो आप लोग को याद रखना है अता का कवि की पैदाइश 1904 ईस्वी को काको में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ना, 15 नंबर है याद नहीं, सॉरी 17 हुआ तो हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्या है, कि अता का कवि की वफात कब हुई, अता का कवि की जो वफात हुई है वो कब हुई है, तो याद रखना है अता का कवि की वफात 1998 ईस्वी में हुई है। ठीक है दोस्तों, और पैदाइश कब हुई है, तो अता का कवि की पैदाइश 1904 ईस्वी को काको में पैदा हुए हैं और उनकी वफात 1998 ईस्वी को हुई है। ये याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन में से एक पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, कि कताए तारीख गमे अरशद में अकील व जमील नाम के दो बच्चों का जिक्र है, वह अता का कवि के कौन थे। देखिए कताए तारीख जो आप लोग का है चैप्टर, उसमें जो गमे अरशद जो चैप्टर है उसमें अकील व जमील नाम का दो बच्चे का जिक्र किया गया है, उसमें जो अता का कवि का रिलेशन में यानी रिलेटिव्स में क्या है, बेटे नवासे पोते भतीजे, तो राइट आंसर याद रखना है उससे उसमें जो है ना उनके जो है पोते हैं, कौन है दोस्तों, अकील व जमील उनके पोते हैं अता का कवि के। तो चलिए दोस्तों हम लोग का यहाँ कंप्लीट हो रहा है 9th चैप्टर, अब 10th चैप्टर के तरफ चलते हैं, देखते हैं 10th चैप्टर। 10th चैप्टर देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग 10th चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग 10th चैप्टर में आ गए हैं दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं 10th चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले चैप्टर नेम का और उसके मुसन्निफ का नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर नेम है यारब चमन नजम गुलजार नजम को गुलजार इरम कर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है चैप्टर नेम, यारब चमन नजम को गुलजार इरम कर, उसके मुसन्निफ कौन है, मीर अनिस है। ठीक है, और ये क्या है, तो मर्सिया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि यारब चमन नजम को गुलजार इरम कर क्या है, तो आप लोग को दे देंगे मर्सिया, मसनवी, गज़ल, ये सब दे देंगे, तो आप लोग को लगाना है मर्सिया। ठीक है, और उनके मुसन्निफ कौन है, मीर अनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा जज व मर्सिया से कौन जो है जज व मर्सिया से ताल्लुक रखता है, बीन गुरेज मद्दा या फिर हम्द। तो याद रखना है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी जज व मर्सिया से जो ताल्लुक रखता है वो कौन है, तो वो बीन है। राइट आंसर क्या होगा, बेन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कि किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं कि मर्सिया किसे कहते हैं, तो मर्सिया आप लोग को याद रखना है किसी की मौत पर कही जाने वाली जो नज्म हो उसे ही हम लोग मर्सिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कि चेहरा सराफा और खुश्त किस सिंफ शायरी से मुतालिक है। देखिए चेहरा सराफा खुश्त जो है वो किस सिंफ शायरी से मुतालिक है, कसीदा, मसनवी, मर्सिया, रुबाई, तो राइट आंसर इसका बता दें, चेहरा का बात जब भी आए आप लोग को मर्सिया में जाना है। ठीक है दोस्तों, चेहरा सराफा जब भी आए मर्सिया में जाना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर, मर्सिया यारब चमन नजम को गुलजार इरम कर
किस शायर की तख्लीक है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। मरसिया यारब जमन नज़म को गुलजार इरम कर, ये जो है किस शायर की तख्लीक है, तो वो मीर अनिस की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि मरसिया की तहमीद को क्या कहा जाता है, तो मरसिया की तहमीद को चेहरा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है कि मीर अनिस का पूरा नाम बताइए, मीर अनिस का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, मीर अनिस का जो पूरा नाम है वो मीर बब्बर अली है। क्या नाम है? मीर बब्बर अली है। पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, पूछा गया क्वेश्चन है कि मीर अनिस का पूरा नाम क्या है, तो मीर बब्बर अली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि मीर अनिस किस शायरी के लिए मशहूर है। देखिए मीर अनिस जो है कौन सा शायरी करते हैं जिसके लिए वो मशहूर है, फेमस है, प्रसिद्ध है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, वो जो प्रसिद्ध फेमस है ना, तो वो मरसिया से मशहूर है। मरसिया लिख करके यानी मरसिया का शायरी कर करके मीर अनिस जो है मशहूर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि रजज का ताल्लुक जो है किस सिंफ से है, रजज का जो ताल्लुक है वो किस सिंफ से है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, वो जो है मरसिया से ताल्लुक है। किससे? मरसिया से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि किसके मुसाइब को शायर में कलम बंद करने का नाम जो है रिवायती मरसिया है। देखिए किसके मसाइब जो है उसको शायर में कलम बंद करने का नाम रिवायती मरसिया है। क्या आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग जो है लाइव चैट में बताते रहें दोस्तों, नहीं पता है आंसर में यानी क्वेश्चन में फोकस करें। आज का क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए अच्छे से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें, इसका राइट आंसर होगा सोहदाए करबला। क्या होगा दोस्तों? सोहदाए करबला जो है वो क्या है कि शहर में जो है कलम बंद करने का नाम रिवायती मरसिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताएँ, उर्दू के जो पहला मरसिया है उसका नाम बताइए दोस्तों, पहला मरसिया का नाम क्या है? क्या नौसरहार, कुतुब मुस्तरी, या फिर सहरुल बयान, या फिर गुलजार नसीम? तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर यानी नौसरहार होगा। ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताएं, तो नौसरहार नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि ऐसी नज्म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग को बताएं, किसी की मौत पर जो गम का इजहार किया जाता है तो उस नज्म को हम लोग मरसिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि इनमें से कौन सा शायरी मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। देखिए इनमें से कौन सा शायरी है, शायर है जो शायरी नहीं है सॉरी शायर है कि मरसिया निगारी के लिए जो है मशहूर है, तो आप लोग को याद रखना है मरसिया निगारी के लिए जो मशहूर है ना, वो मीर अनिस है। कौन है दोस्तों? मीर अनिस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि मीर अनिस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, यानी किस जगह से है, मतलब किस जगह से है मीर अनिस का ताल्लुक। तो याद रखना है दोस्तों, मीर अनिस का जो ताल्लुक है वो जो है यानी लखनऊ से है। कहाँ से है? लखनऊ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, नौसरहार के मुसन्निफ़ कौन है, नौसरहार के राइटर कौन है? तो याद रखना है नौसरहार के राइटर जो है वो अशरफ बयानी है। कौन है? अशरफ बयाबानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, मरसिया नौसरहार कब लिखी गई, मरसिया नौसरहार जो लिखी गई है वो कब लिखी गई है? तो याद रखना है दोस्तों, मरसिया नौसरहार जो लिखी गई है 1503 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं कि मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है। देखिए मरसिया गोई के लिए जो है कौन सी हैयत जो है इख्तियार की गई है, क्या मसदिस, या फिर मरवा, या फिर मुखमिस, या फिर मुसमिन? तो राइट आंसर इसका बता दीजिए, मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत जो है इख्तियार की गई है, तो उस इख्तियार का नाम क्या है? तो वो है मुसदिस। कौन है दोस्तों? मुसदिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि मरसिया के लिए पहली बार मुसदिस की हैयत किसने इख्तियार किया। देखिए यानी मरसिया के लिए जो पहली बार मुसदिस हैयत जो इख्तियार किए थे तो वो किसने इख्तियार किए थे? तो याद रखना है दोस्तों, वो किए थे सौदा ने। किसने? सौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, सिर्फ मरसिया को बाम उरूज तक किसने पहुंचाया? देखिए सिर्फ मरसिया जो है उसको यानी बाम उरूज तक पहुंचाया, तो वो उसे जो है किसने पहुंचाया? तो याद रखना है, उसे पहुंचाने वाले जो है ना उसका नाम है यानी
मीर अनिस नाम है। क्या नाम है दोस्तों? मीर अनिस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मीर अनिस की पैदाइश कब हुई? तो याद रखना है दोस्तों, मीर अनिस की पैदाइश कहाँ हुई है, तो ये सॉरी कब हुई है, तो मीर अनिस की पैदाइश 1802 ईस्वी को फैजाबाद में हुई है। कहाँ? मीर अनिस की पैदाइश 1802 ईस्वी को हुई है और फैजाबाद में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि मीर अनिस की पैदाइश कहाँ हुई है, तो मीर अनिस की पैदाइश फैजाबाद में हुई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर मीर अनिस के वालिद का नाम क्या था? मीर अनिस के जो वालिद थे उसके वालिद का नाम जो है क्या था? तो याद रखना है, मीर अनिस के वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक था। क्या था दोस्तों? मीर मुस्तहसन खलीक था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि इब्तदा में मीर अनिस का तखल्लुस क्या था? इब्तदा में जो मीर अनिस तखल्लुस करते थे तो क्या करते थे? दबीर, खरी, खजी, असद या फिर आतिश? तो राइट आंसर इसका बता दीजिए, इसका क्या होगा राइट आंसर? तो आप लोग को बता दें, वो कर रहे थे जजी। क्या क्या कर रहे थे? यानी इब्तदा में, स्टार्टिंग में जो मीर अनिस तखल्लुस रखते थे ना अपना शहरी में, इस्तेमाल जो करते थे वो करते थे जजी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजी ऑप्शन नंबर सी होगा, हजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर कि मीर अनिस ने किस उम्र में शायरी शुरू किए? देखिए, मीर अनिस जो शायरी करना शुरू किए थे तो वो किस उम्र में शुरू किए थे? तो याद रखना है, मीर अनिस जो शुरू किए थे ना दोस्तों, वो किए थे 12 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर 24 नंबर क्या है कि मीर अनिस की वफ़ात कब हुई? तो मीर अनिस की जो वफ़ात हुई है वो कब हुई है दोस्तों? तो याद रखना है, मीर अनिस की वफ़ात यानी 1874 ईस्वी को हुई है, और पैदाइश कब हुई है? तो 1802 ईस्वी को हुई है। 1802 ईस्वी को कहाँ हुई है? तो फैजाबाद में हुई है, और वफ़ात कब हुई है? 1874 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, हाँ यहाँ तक, यानी 25 नंबर हम लोग आ गए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 25 नंबर क्या है दोस्तों कि आलिम है डैश कोई दिल साफ नहीं है, मुनासिब लफ्जे में मिसरे मुकम्मल कीजिए। यानी आलिम है डैश कोई दिल साफ नहीं है, तो इसमें जो है मिसरा को जो है मुकम्मल करना है, पूर्ति करना है, तो उसमें क्या होगा? तो आप लोग को याद रखना है, उसमें होगा मुकद्दर। क्या होगा दोस्तों? मुकद्दर, ठीक है, याद रखना है। आलिम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ हम लोग का 10 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब 11 चैप्टर देखते हैं दोस्तों। 11 चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं, यानी 11 चैप्टर जिसका नाम है शिकस्त जिंदा का ख्वाब। इसके मुसन्निफ कौन है दोस्तों? शिकस्त जिंदा का ख्वाब के मुसन्निफ कौन है? तो वो जोश मली आवादी है, और ये एक नज्म है। यहाँ तक याद रखना है, यहाँ से आप लोग का एक मार्क्स का क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाते हैं। यानी आपका जो है उर्दू में जितने चैप्टर हैं, वह यहाँ से आप लोग का 10 या 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन कि जोश आज़ादी, यानी जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? देखिए, जोश मली आवादी जो है वो जब आज़ाद हो गए भारत, तो उसके बाद जो चले गए थे, तो वो कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? तो राइट आंसर बता दें, वो गए थे पाकिस्तान। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर, जोश मली आबादी की पैदाइश कब हुई? तो याद रखना है, जोश मली आबादी की जो पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी को हुई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, जोश मली आबादी के वालिद का क्या नाम था? तो जोश मली आबादी के जो वालिद का नाम था ना, तो आप लोग को बता दें, उसके वालिद का नाम था बशीर अहमद खां। क्या नाम था दोस्तों? बशीर अहमद खां, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर कि नज्म व नसर में जोश की कितनी किताबें यादगार है? देखिए, जोश मली आबादी जो है वो नज्म व नसर में जो किताब लिखी है, तो उसके लिए कितनी किताब जो यादगार बन चुकी है? तो आप लोग को पता है, तो आप लोग बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा? आधा दर्जन, एक दर्जन, दो दर्जन, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका बता दें, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दो दर्जन। कितना? दो दर्जन बुक जो है ना नज्म व नसर के जोश मली आबादी का यादगार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर कि जोश का पूरा नाम, जोश मली आबादी का जो पूरा नाम है वो क्या है? 2017 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जोश का जो पूरा नाम है वो है यानी
शब्बीर हुसैन खान नाम है। क्या नाम है दोस्तों? शब्बीर हुसैन खान नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर इनकलाब जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखना है शायर इनकलाब जोश मली आबादी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जोश की खुदनवस्त की निशानदही कीजिए। देखिए जोश की जो खुदनवस्त है उसकी जो है निशानदही कीजिए। उसकी निशानदेही मतलब क्या कि उसकी जो है पहचान क्या है? तो याद रखना है दोस्तों उसकी जो है वो यादों की बारात। क्या? यादों की बारात एक निशानदेही जो है जो उसकी खुदनविस्त है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफ कहते हैं। हिंदी में आत्मकथा कहते हैं और इंग्लिश में जो है आत्मकथा कहते हैं। तो वही यानी जोश की जो है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या है? तो यादों की बारात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि दर्ज जेल में से कौन सी नज्म जोश मली आबादी की है? यानी इनमें से जो है जोश मली आबादी की कौन सा नज्म है? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों जोश मली आबादी की जो नज्म है वो शिकस्त जिंदा का ख्वाब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि जोश के जाए पैदाइश कहाँ हुई है? जोश मली आबादी की पैदाइश आप लोग को पता है कि 1896 में हुई है, लेकिन पैदा कहाँ हुए? तो आप लोग को याद रखना है मली आबाद में हुई है। आप लॉजिक लगा सकते हैं जोश मली आबादी तो पैदा कहाँ हुआ है? मली आबाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि जोश मली आबादी को इकबाल की सिफारिश पर हैदराबाद किसके इदारे में मुलाजमत मिली? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जोश मली आबादी जो है उसको जो है इकबाल की सिफारिश पर जो हैदराबाद की इदारे में मुलाजमत मिली, तो वो कौन सा इसमें? क्या आप अगर आंसर पता है तो आप लोग बता दीजिए दोस्तों। नहीं पता है आप लोग यहाँ आंसर देखिए, वो है क्या कि दारुल तर्जुमा में जो है मुलाजमत मिली थी हैदराबाद में, यानी जोश मली आबादी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि जोश मली आबादी की एक मशहूर नसरी किताब का नाम बताएं। देखिए जोश मली आबादी का एक मशहूर नसरी किताबों की नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ना यादों की बारात है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं कि जोश की किताब, देखिए जोश की किताब यादों की बारात का ताल्लुक जो है किस नसरी सिंफ से है? तो आप लोग को इससे पहले बताएं कि यादों की बारात एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा खुदनविस्त है। क्या है दोस्तों? खुदनविस्त है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी यादों की बारात जो नसरी सिंफ है वो खुदनविस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्या है कि जोश मली आबादी की वफात कब हुई? तो जोश मली आबादी की वफात जो हुई है वो कब हुई है दोस्तों? तो आप लोग को बता दें जोश मली आबादी की जो वफात हुई है 1982 ईस्वी को हुई है और पैदाइश 1896 ईस्वी को मलियाबाद में हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1982 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर यहाँ देखिए कि आपके निसाब में शामिल नजब शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसके शायर कौन है? तो शिकस्त जिंदा का ख्वाब के शायर कौन है? जोश मली आबादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं कि क्या हिंद का डैश कांप रहा होगा, कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, मुनासिब लफ्ज में मिसरे मुकम्मल कीजिए। तो मिसरे जो है मुकम्मल करने के लिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसमें जो है आप लोग को यानी हर एक मिसरे जो मुकम्मल वाला क्वेश्चन आता है ना, हर एक क्वेश्चन आप लोग को करवा दे रहे हैं, बस आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, यानी यहाँ पर क्या होगा? जिंदा होगा, यानी मिसरे जो मुकम्मल होगा ना तो जिंदा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, यानी आज का क्लास का जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ नीचे आप लोग देख लीजिए कि भूखों की नज़र में बिजली है, पौधों के यानी दहाने ठंडे हैं, इस शेर के शायर कौन है? यानी ये जो शेर है कि भूखों की नज़र में बिजली है और तोपों की नज़र में, यहाँ तोपों है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तो इस शेर में जो है शायर कौन है दोस्तों? तो इसके शायर जो है ना वो जोश मली आबादी है। कौन है दोस्तों? जोश मली आबादी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है दोस्तों आज जो है हम लोग बहुत यानी मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव किए हैं, और इस जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल का लगा है तो आप लोग एक बार दोबारा फिर से जो है रिविज़न ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का रिवीजन होने से जो है क्वेश्चन यानी भूलेंगे नहीं, तो इसलिए एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग का कितना सही हुआ।